वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस, लर्निंग मेड इजी, द हिंदू 24 जून का। आज हम लोग द हिंदू में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसमें से क्या क्या पढ़ने की चीजें हैं, इसको लेकर के हम लोग आए हैं। हम इसको बता दिया करेंगे आपको और इस तरीके से आपको शो कर देंगे ताकि आप देख करके उन आर्टिकल्स को रिकॉग्नाइज कर सको और उन्हीं आर्टिकल्स को आपको केवल पढ़ना है जिस पर हम लोग फोकस करते हैं, बिकॉज यही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके हम बेसिक बैकग्राउंडर्स और कुछ अपडेट्स आपको हम दे देते हैं साथ साथ, ताकि आप उसको जब पढ़े तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज़, मैं कह रहा हूँ हिंदू ऑनलाइन सब्सक्राइब कर लो या आप फिजिकल फॉर्म में लो। फिजिकल फॉर्म में नहीं भी मिल रहा इस समय तो आप ऑनलाइन सब्सक्राइब करके वहां से पढ़ो, पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़ो। चलो शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पेज नंबर 1 है, फिर 4-5 पेज में से एक दो न्यूज आता है, फिर 6-7 आपका एडिटोरियल है, उसके बाद 8-9-10-11 इन सारे में से एक दो करके न्यूज होते हैं, उसके बाद 14 आपका वर्ल्ड हो जाता है, 15 आपका इकोनॉमिक्स हो जाता है और मतलब बिजनेस और इकोनॉमिक्स हो जाता है, और 16 से लाइफ या स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें आपको होती हैं। तो पहले पेज में कई बार एक न्यूज, दो न्यूज या कई बार 3-4 न्यूज आज के न्यूज पेपर में पहले पेज से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, उन सारे न्यूज को हम लोग पहले हाईलाइट करते हैं। पहला न्यूज है जो ये पहला न्यूज आप देख पा रहे हैं, इंडिया चाइना टू कूल डाउन एलएसी टेंशन। अभी जो ये बात चल रही है वहां पे, कोर्ट्स कमांडर लेवल पे बात चल रही है, टॉक्स चल रही है यहां पे, इन टॉक्स में इंडिया और चाइना ने एक म्यूचुअल कंसेंसस बिल्ट अप कर लिया है। जो कई दिन से ये टॉक चल रही थी, टॉक के बीच में थोड़ी लड़ाई झड़प भी हो गई और कुछ लोगों की जान भी चली गई, ये कहा जा रहा है ये सक्सेसफुल टॉक्स है। इसमें म्यूचुअल कंसेंसस एक अडाप्ट कर लिया है दोनों ने, जो 4-5 पॉइंट्स थे उनके जिन पर बात हो रही थी, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 नंबर, 15 नंबर, 17A नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो जो लेक है उसका, और चुसुल, ये 5 पॉइंट्स पर बात हुई और कंसेंसस रीच आउट कर गया। दोनों जो अप्रैल के पहले की सिचुएशन थी उस सिचुएशन पर दोनों लोग अपने सेनाओं को वापस भेज रहे हैं, और मोल्दो में ये टॉक्स हुई थी, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, वो मोल्दो में टॉक्स हुई थी उसको लेकर के ये लोग बैठे हुए थे। ठीक है, अब इस पर वो सारी बातें चल रही हैं कि नहीं हमने आपके मारे, आपने हमारे मारे, ये सारी बातें, लेकिन बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में बातें हुई और दोनों ने थोड़ा सा बैकफुट रवैया अपनाया और इसकी वजह से ये पीस लौट के आ रही है उस रीजन में, जो कि एटलीस्ट लद्दाख के रीजन के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज जो आपको पढ़ना है, इसके बगल वाली न्यूज है जो स्लैश स्टाफ एट मिशन इंडिया टेल्स पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा है कि आपका जो मिशन है, जो काउंसलर है, जो आपका डिप्लोमेटिक चैनल है, जो हाई कमीशन हैं आपके, उस हाई कमीशन में आप स्टाफ घटाइए। ये अब दोनों का बहुत दिन से 2019 से बड़ा विवाद चल रहा था। इनफैक्ट जैसा कि द हिंदू में लिखा गया है कि फरवरी 15, 2019 में पहली बार इस तरह से हुआ कि पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का स्टेटस जो होता है वो हमने छीन लिया। पाकिस्तान ने तो हमें कभी नहीं दिया था MFN का स्टेटस, हमने उनको ट्रेड में MFN का स्टेटस दिया था और वो स्टेटस हमने वापस ले लिया है। पहली चीज ये तो हमने लास्ट ईयर किया था। उसके बाद क्या हुआ कि पाक ने इंडियन हाई कमिश्नर को एक्सपेल कर दिया था, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से जब हटाया गया तो अगस्त 7 को उनको वहां से एक्सपेल कर दिया था। फिर उसके बाद बातचीत चलती रही और मई 31, 2020 में ये क्या हुआ कि इंडिया ने जो ऑपरेशन डेजर्ट चेज किया था उसमें एस्पियोनेज करते हुए दो लोगों को पकड़ा था, कि दो उनके स्टाफ जो थे वो एस्पियोनेज कर रहे थे हमारे देश में, उनको वापस उनको भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया था। और जून 16 को पाक का जो सीडीए हैं चीफ, उनको समन किया गया है, और इसको लेकर के अब पाकिस्तान ने भी इस तरह के एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं कि स्टाफ को घटाने का। इंडिया ने भी अपने यहाँ से कहा स्टाफ अपने यहाँ से घटा लो, भाई जब वो लोग यहाँ पे आके जासूसी ही करेंगे तो उनको हटा लिया जाए यहाँ से। ठीक है, तो ये सिलसिला जो इस तरह का स्टाफ घटाने का, डिप्लोमेटिक वॉर करने का एक दूसरे पे जो सिलसिला है, ये 2001 से चल रहा है। 2001 में पहली बार इस तरह से हुआ था कि जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तो हमने तलब किया था डिप्लोमेट्स को और वहां से कुछ स्टाफ घटाने की बात हमने करी थी, और ये दूसरी बार इस तरह से हमने स्टाफ घटाने की बात करी है। इसके बाद इसमें तीसरा न्यूज जो आप पढ़ेंगे एकदम से नीचे का, जो ये कॉर्नर वाला न्यूज है, ये कॉर्नर वाला न्यूज, कंट्री ऑफ ओरिजिन मस्ट ऑन GEM प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट कह रही है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन का कॉलम मस्ट भरना पड़ेगा, वो कंपलसरी हो गया है। जब GEM क्या है, गवर्नमेंट का एक ई मार्केट प्लेस है, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM जिसको हम लोग कहते हैं, तो GEM में अब एक नया कॉलम उन्होंने डाला और वो कहा कि
कंट्री ऑफ ओरिजिन का जो कॉलम है उसको कंपलसरली फिल करना पड़ेगा। ये मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है कि अगर कोई क्लास वन सप्लायर है, लोकल सप्लायर है, और वो लोकल कंटेंट उसमें अगर ग्रेटर देन 50% होना चाहिए तभी उसको क्लास वन कैटेगरी में रखेंगे। क्लास टू कैटेगरी के लिए रखने के लिए ग्रेटर देन 20% ऑफ लोकल कंपोनेंट होने चाहिए उसमें। तो ये अगर है तभी आप वहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन का सिंबल दे सकते हैं। तो ये चीज़ उसको बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। चौथी न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ट्रंप सस्पेंड, उस तरफ की जो न्यूज़ है, ट्रंप सस्पेंड्स H-1B वीज़ा टिल ईयर एंड। ये एक बड़ी न्यूज़ है इंटरनेशनल फोरम में हमारे इंडियन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि ओवरसीज जाके US में काम करते हैं, H-1B वीज़ा पर जो काम करते हैं उनके लिए, या H-2B वीज़ा जो होता है उनके उन पर काम करते हैं, या H-4 वीज़ा से जो उनके रिलेटिव जाते हैं। तो कहने का मतलब इन वीज़ास के ऊपर उसने सस्पेंशन लगाने की कोशिश की है, क्योंकि जो उनका नारा है अमेरिका फर्स्ट का नारा है, वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, बहुत तेज़ी से घट रहा है US में एम्प्लॉयमेंट, और 13.3% घट चुका है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 13.3% से चेंज हुआ है, और ये जो चेंज आया है इसकी वजह से वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो बाहर के लोग आके वहाँ का एम्प्लॉयमेंट खा रहे हैं, उनका कहना है ऐसा। और उन्होंने सबसे पहला वॉर किया है H-1B वीज़ा पर। H-1B वीज़ा जो है वो मेनली ऐसे स्किल्ड वर्कर जो हैं, टेक वर्कर हैं, उन वो लोग ये वीज़ा लेकर के जाते हैं। इसके बाद H-4 वीज़ाज़ है, या H-1B के जो डिपेंडेंट हैं H-4 वीज़ाज़ वो लेके जाते हैं। L वीज़ाज़ हैं, L वीज़ाज़ उनके लिए हैं जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स लेते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर ले रहे हैं, L वीज़ाज़ उनके लिए होता है। H-2B वीज़ाज़ नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स, जो वर्कर्स जा रहे हैं, लेबरर्स जा रहे हैं, उनके लिए है। और J वीज़ाज़ भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो L वीज़ाज़, J वीज़ाज़, H-1 वीज़ाज़, H-2B वीज़ाज़ और H-4 वीज़ाज़, ये चार पांच तरह के वीज़ाज़ हैं जिसको सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं टिल द ईयर एंड। तो अभी 85,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं H-1B वीज़ा में पैन वर्ल्ड, जिसमें मेजॉरिटी इंडियंस होते हैं और इंडियन टेक्स होते हैं, वहाँ से होते हैं। अब इसमें आगे चल के आज के पेपर में ही पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल भी आया है इस पर। उस एडिटोरियल में साफ साफ ये बात बताई गई है, ये डिस्कस किया गया है कि इंडिया के जो वर्कर्स हैं वो टेक में जा रहे हैं, और टेक का जो लॉस है, वहाँ पे जॉब लॉस हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, वो 2.7% के आसपास है, और 13 जो देख रहे हैं वो बाकी सारे सेक्टर्स में है जिसमें इंडियंस नहीं हैं। तो कहने का मतलब इंडिया के ऊपर इस तरह का वो नहीं लगाना चाहिए। इवन इसमें विरोध भी आया है आपके सुंदर पिचाई जी का, गूगल के CEO जो हैं उनका इस पर विरोध भी आया। उन्होंने कहा कि इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, और अगर अमेरिका इस तरह से करता है तो उसको भी नुकसान होगा और हम जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जबकि टेस्ला के मालिक जो हैं एलन मास्क, जो कि पहले ट्रंप के सलाहकार भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये घटाना बहुत ज़रूरी था अमेरिका के लिए, लेकिन ये बहुत ब्रॉड हो गया है, इतना ब्रॉड नहीं होना चाहिए था जितना ब्रॉड इन्होंने किया है। तो इसके बारे में हम लोग आगे फिर से थोड़ा सा बात करेंगे। ये चार न्यूज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और छोटी सी न्यूज़ है, आयुष लेंस ऑन रामदेव्स COVID-19 क्योर। इनका जो कोरोनिल इन्होंने करके एक दवाई निकाली है, और स्वसारी बोल के दवाई निकाली है, इसके ऊपर जांच करने की बात की जा रही है कि इसकी इफेक्टिविटीस को जांच किया जाए कि ये COVID-19 में कितना सक्सेसफुल है। बिना जांच किए उनको एडवर्टीजमेंट से भी रोक दिया गया है, उनको लॉन्च करने से रोक दिया गया है। आगे चलते हैं, आयुष मिनिस्ट्री ने ये काम किया है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 2-3 में कुछ भी नहीं है आपके लिए, और पेज नंबर 4 में आते हैं। एक है पॉल्यूशन पैनल रिवोक्स ऑयल वेल क्लोजर ऑर्डर। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है असम का, उसने अभी जो आग लग गई थी बागझान के ऑयल उसमें रिफाइनरी में रिजर्व में, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का वो वहां पे कंटेनर्स थे, तो ऑयल इंडिया के इस साइट को उन्होंने बंद करने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन अभी सोच समझकर फिर से, क्योंकि उनकी गलती नहीं निकल रही है, तो पीसीबी कह रहा हूँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असम ने क्या किया है कि उसको फिर से ऑर्डर को रिवोक करने का काम किया है। ये न्यूज़ भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर फाइव पर। ये देखिए, ये पहला न्यूज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल किचन स्कीम फॉर पुअर टू बी लॉन्च इन राजस्थान। ये स्पेशल किचन इंदिरा गांधी किचन के नाम से लॉन्च हो रहा है, 100 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने जा रही है गवर्नमेंट। हालांकि ये राजस्थान में नया नहीं है इस तरह का किचन, इस तरह का किचन इंडिया में बहुत बार आया है, तमिलनाडु में अम्मा किचन के नाम से बहुत फेमस था। राजस्थान इटसेल्फ में इसके पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट, वसुधरा राजे की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई के नाम से लॉन्च किया था, जिसमें 5 रुपया और 8 रुपया करके थालियाँ मिलती थी। तो ये स्कीम पहले भी लॉन्च हो चुकी है कि जो लोअर क्लास है, वर्कर क्लास है, जिनको
भोजन, कोई भूखा ना सोए, इसके लिए ये किचन चलाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस पे, राजस्थान गवर्नमेंट ने 100 करोड़ स्पेंड करके ये लॉन्च किया। अभी प्राइजेस फिक्स नहीं किया है क्या थाली का रेट होगा, ये जल्दी ही रिलीज होगा। इस पर गहलोत सरकार इस पर काम कर रही है। नेक्स्ट, अच्छा एक इसके बगल वाला जो न्यूज़ है, जस्ट सेकंड न्यूज़ उसका जो है आप देखिए, वो भीमा कोरेगांव सेंटर सीक्स टाइम टू रिप्लाई टू प्ली अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोब। तो अभी भीमा कोरेगांव में इसमें पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है ज्यादा, लेकिन भीमा कोरेगांव का पूरा केस आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन किसका साथ दिया था, ये इस पर एक अलग वीडियो भी है हम लोग का, वो वीडियो भी आप देखिएगा, भीमा कोरेगांव वीडियो उसका। इसमें क्या हुआ है कि जो ये NIA को सौंप दी गई है इसकी जांच, उसको लेकर के लोगों ने प्ली दिया था कोर्ट में कि ये NIO को नहीं देना चाहिए, नेशनल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नहीं देना चाहिए, तो इसको दिया गया है। तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कुछ लोग इसका, तो उसको लेकर के ये न्यूज़ है। बस आपको भीमा कोरेगांव से उसमें मतलब है, इससे ज़्यादा नहीं। अब आते हैं पेज नंबर सिक्स में एडिटोरियल है, पेज नंबर सेवन में भी अपोज है, आइडियाज़ और ओपिनियन पेज है। तो पेज नंबर सिक्स के जो मेन एडिटोरियल जो आपको पढ़ने हैं वो पढ़ना है, अरेस्ट द वायरस ऑफ आर्बिट्री पावर, ये मेन मेजर है उस पर। और ये जो दो साइड वाले हैं, अनडिजायरेबल एक्विटल वाला जो आर्टिकल है, इसमें फ्रीडम ऑफ मैरिटल चॉइस करके कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब कोर्ट इस पे डिसाइड करेगा फ्रीडम ऑफ मैरिटल चॉइस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसको फ्रीडम ऑफ मैरिटल चॉइस दिया जाएगा और किस कंडीशंस पे दिया जाएगा, ये एक नया इशू आ गया हमारे उसके लिए। अब इसको फंडामेंटल राइट्स पे की तराजू पर रख कर देखा जाएगा। अगला है डाउनिंग द शटर्स भी वही आर्टिकल है जो H-1B वीजा को लेकर के ट्रंप का डिसीजन है उसके ऊपर है, उसका एनालिसिस है इसमें, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। मैंने इसका ज़्यादातर आपको पॉइंट बता दिया, इसका पॉइंट हमने पहले ही बता दिया इसका। इसके बाद आपका पेज नंबर सेवन में जो है द शार्प एंड ऑफ मिलिट्री पावर, ये पढ़िएगा, इसमें मिलिट्री डिटेल्स है, हमारी क्या मजबूती है, हमारी क्या ताकत है, चाइना की क्या ताकत है, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। हालांकि ये बहुत इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सिक्योरिटी और डिफेंस के रिलेटिव ये इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हमारे हुए हैं उसको लेकर के, कि हम कहाँ कहाँ मजबूत हैं और कहाँ कहाँ हम वीक हैं, चाइना कहाँ कहाँ मजबूत है और कहाँ कहाँ वीक है, इस पर अर्जुन सुब्रमण्यम साहब का ये वो है, जो कि इज अ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। तो ये पढ़ने लायक आर्टिकल होगा, क्योंकि एक डिफेंस पर्सनल इसको इसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है क्रॉप ऑफ आयरनीज फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर वेलफेयर को लेकर के है। इसमें मेनली एग्रीकल्चरलिस्ट और हमारे यहाँ जो वर्ल्ड हंगर डे अभी बीता है आपका May 28, तो बहुत चर्चाएं इसको लेकर के हुई कि हम MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना रखें, किसानों का क्या रखा जाए, कोविड सिचुएशन में जो किसानों को लॉस हुआ है वो कैसे, एक तरफ फूड सिक्योरिटी जो फार्मर दे रहा है उसको हम सिक्योरिटी कैसे दें, इसको लेकर के ये आर्टिकल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग पेज नंबर एट में कोई एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि M18 हेलीकॉप्टर, रशियन बिल्ट वन M18 हेलीकॉप्टर, MI8 हेलीकॉप्टर जो है, अब उसको डीकमीशन किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स से। अब नए हेलीकॉप्टर चीनूक आ गए हैं और इस तरह के बड़े चेतक, चीनूक, ये सब बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं, तो अब MI8 को रिटायर किया जा रहा है, तो उसको तिरुवनंतपुरम में ऐसे ही एक म्यूजियम की तरह लगा के रखा जाएगा ताकि लोग उसको देखें। इसमें एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में मैंने कल बात किया था कि 100 ईयर्स लेटर मालाबार रिबेलियन फाइट्स फॉर, ये नीचे वाली न्यूज दिख रही है आपको एकदम लास्ट वाली, 100 ईयर्स लेटर मालाबार रिबेलियन फाइट्स फॉर स्क्रीन स्पेस। मालाबार रिबेलियन अचानक से इतना हाईलाइटेड हो गया, एक लोग मतलब उसमें जो एक्टर है पृथ्वीराज सुकुमार ने सबसे पहले बताया कि हम इसमें एक्ट करने जा रहे हैं, और इसमें वरियम कुनान जो हीरो थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वरियम कुनान, उनको लेकर के ये फिल्म बनाया गया है, और उनमें एक्टर पृथ्वीराज पहली बार एक्ट कर रहे हैं इस तरह से। इसके पहले एक फिल्म इसकी आ चुकी है 1980 के दशक में, काफ़ी हिट रही है वो फिल्म। अब की बार ये अचानक से 2 दिन के अंदर में 4 लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि वो इसी इशू पर, मालाबार रिबेलियन पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, और देशभक्ति ओरिएंटेड फिल्म बनेगी इस पर। 1921 में ये रिबेलियन हुआ था, मालाबार रिबेलियन, जिसके मेन हीरो थे उनका नाम था वरियम कुन्नथु, इनको शहीद वरियम कुनान भी कहा जाता है। तो इन्होंने इनके ऊपर ये फिल्म बन रही है, कई लोग फिल्म बना रहे हैं, कई डायरेक्टर्स फिल्म बना रहे हैं, PT कुंजू मोहम्मद ने भी इसमें फिल्म बनाने की बात कही है। इसके अलावा अली अकबर साहब जो फिल्म मेकर हैं, उन्होंने फेसबुक पे अभी कुछ इसके बारे में ट्वीट वो भी लिखा भी था कि वरियम कुंथ हाजी एक हीरो हैं, उनके हीरोइज्म को लोग भूला जा रहे हैं,
क्योंकि ये थोड़ा सा लेफ्ट ओरिएंटेड रिबेलियन था, इसलिए बहुत लोग इसको इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि ये आपके हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 9 नंबर पेज में पहला जो न्यूज़ है, ये फर्स्ट वाला न्यूज़, इंडिया प्लान्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अब इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्लान कर रही है, इसमें एक नया कंसेप्ट वो लोग दे रहे हैं, उस कंसेप्ट को याद रखिएगा, उसका नाम है ट्रैवल बबल्स। ट्रैवल बबल बनाने की कोशिश की जा रही है, इंडिया यूएस के साथ, इंडिया फ्रांस के साथ, इंडिया जर्मनी के साथ, इंडिया यूके के साथ, क्या करेगा, एक ट्रैवल बबल बनाएगा, और ट्रैवल बबल बना के बहुत सेफली पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, क्योंकि जो देखा गया इन्हीं 4 देशों में सबसे ज्यादा तो हमारे यहाँ से ट्रैवल है या अरब में के रीजन में है, तो अभी इनके साथ हम लोग ट्रैवल बबल बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमने अभी वंदे भारत स्कीम चला करके अपने प्रवासी भारतीयों को वापस लाने की कोशिश की है एयर इंडिया की फ्लाइट से, इससे बड़ा नाराज है यूएस। यूएस ने बहुत पहले ये नाराजगी जाहिर की थी कि भाई सारा मलाई आप काट रहे हो। ये जैसे दो बस वाले नहीं लड़ते हैं, दो बस वाले लड़ते हैं कि यार तू मेरा पैसेंजर ले जा रहा है, मुझे भी मौका दे, आधा पैसेंजर तू ले जा आधा मैं ले जाऊँ, दोनों कमाते हैं। ऐसी बातें दोनों कर रहे हैं, क्योंकि यूएस ने कहा कि एयर इंडिया ही सारी कमाई कर रहा है, क्योंकि वो वंदे भारत के स्कीम के तहत वो सारे वो ले रहा है, बोले उसको हम बैन कर देंगे, एयर इंडिया को हम बैन कर देंगे, ऐसे धमकी दे रहा है यूएस वाला। तो ये डिस्कशन चल रहा है बहुत दिन से, ये धमकी चल रही है, तो इसको लेकर के ये आर्टिकल है। और इंडिया का ये ट्रैवल बबल का प्लान है कि इंडिविजुअल बायलेटरल बबल बनाने की बात हो रही है, इंडिविजुअल बायलेटरल बबल, दो देश आपस में बबल बनाए ताकि सेफली पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। इसके बाद इसमें और कोई न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं पेज नंबर 10 में चलते हैं। अब इसमें क्या है, टेक जायंट स्लैम वीजा कर्व्स। अब टेक जायंट जैसे TCS ने, कॉग्निजन ने, सब ने अपने अपने प्रतिक्रियाएं इस पे दी हैं कि यार ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह से अगर इमिग्रेंट्स नहीं आएंगे तो स्किलिंग हमारे जो है प्रॉपर वो नहीं हो पाएगी। तो यूएस ने इस पर रोक लगाया हुआ, सुंदर पिचाई ने भी क्या कहा है, एलन मस्क के टेस्ला ने क्या, टेस्ला के एलन मस्क ने क्या किया, ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ये पढ़ लीजिएगा ये आर्टिकल। अगला आर्टिकल है हज से रिलेटेड, सेंटर टू रिमबर्स एप्लीकेंट्स फॉर हज। तो ये रिमबर्समेंट वगैरह नहीं पढ़ना, पर हज की यात्रा क्या होती है, कैसे शुरू होती है, कहाँ इसका इतिहास है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको जाननी पड़ेगी। अच्छा, पीएम केयर्स को लेकर के बहुत दिन से बवाल चल रहा था, पीएम केयर्स को लाया जाए भाई, आरटीआई के दायरे में लाया जाए, ये सब क्वेश्चन चल रहा है। तो अभी रिलीज किया पीएम केयर्स ने अपने फाइनेंसेस को कि हमने कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। तो पीएम केयर्स ने सबसे पहले बताया कि 2000 करोड़ का हमने वेंटिलेटर दिया है, 50,000 से ज़्यादा मेड इन इंडिया वेंटिलेटर पर हमने ये पैसा खर्च किया है। उसके अलावा 1000 करोड़ रुपया वेलफेयर, माइग्रेंट्स के वेलफेयर के लिए एलोकेट किया गया है। इसके अलावा ये जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है इसको, इसमें कोई विदेशी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, जो 50,000 वेंटिलेटर हुए हैं उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, अगवा हेल्थ केयर एंड AMTZ बेसिक, इन सब कंपनियों ने इसमें बनाया है वेंटिलेटर्स को। इसके अलावा कुछ स्टेट्स को सपोर्ट करने के लिए पैसा दिया गया है, जैसे 275 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा दिया गया है, दिल्ली नंबर 2 पे है लेकिन इसको भी 275 करोड़ मिले हैं, गुजरात 175 करोड़, बिहार को 100 करोड़, कर्नाटका को 90 करोड़ और राजस्थान को 75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये टॉप रिसिपिएंट हैं जो कि पीएम केयर से फंड इनको मिला है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड है वो एक फॉर्मूला पे बेस्ड है कि 50% वेटेज फॉर द पॉपुलेशन एज पर द 2001 सेंसस एंड 40% वेटेज फॉर द नंबर ऑफ पॉजिटिव कोविड केसेस एंड 10% फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द स्टेट्स। मतलब इसमें तीन कंपोनेंट है, 50% वेटेज दिया जा रहा है किस चीज को, कि पॉपुलेशन कितनी है, उसके बाद 40% वेटेज दिया जा रहा है केसेस कितने हैं, और 10% वेटेज इस पर दिया जा रहा है कि सभी स्टेट में बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इस हिसाब से इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पीएम केयर्स ने ये रिलीज किया है। अच्छा, चेंज इन ICMR रूल्स डिलेज लोकल टेस्ट किट, ये एक न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें दो तीन कंसेप्ट, दो तीन नाम आए हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, कि इसमें टेस्टिंग किट जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने इस पर परमिट किया है जिनको बनाने का, तो 450,000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। अभी तक हम लोग RT-PCR किट्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत नए तरह के किट्स आ रहे हैं जो कि आगे चल के बहुत फास्ट और मोबाइल किट्स हैं। तो ऑन May 5 द CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIV अनाउंस ए कोलेबोरेशन विद टाटा सन्स लिमिटेड। टाटा सन्स से मिल करके IGIV एक फेलुदा FELUDA, ये देखो यहाँ लिखा है फेलुदा नाम से ये जो इन्होंने किट बनाया है, ये किट RT-PCR से फास्ट है और ज़्यादा इफेक्टिव है। फेलुदा का फुल फॉर्म है FNCAS-Cas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे,
एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्टिव, ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फेलुदा नाम याद रखिएगा। और ये किस कंसेप्ट पे काम करता है, ये क्रिस्पर कास 9 जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्रिस्पर कास 9 CAS9 जीन एडिटिंग सिस्टम जो है उस पर ये एडिटिंग होती है, ठीक है। तो ये तीन चार चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा और भी अलग जो चित्रा त्रिमुंडा, श्री चित्रा त्रिमुंडा इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTIMS ने एक किट बनाया है, जो कि ICMR इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अलापुजा ने इसको एक्सेप्ट किया है, उसको पास किया है। तो ये दो तीन किट के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी मिलेगा। फेलुदा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। अब आते हैं अगले 11 नंबर पेज पे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, रथ यात्रा वगैरह के बारे में कल हम लोगों ने बात कर ली थी। रसिया टू स्पीड अप डिफेंस डील, रसिया कह रहा है कि हम एकदम छोटा सा न्यूज है, एकदम लाइफ स्टार्टिंग में ही है। रसिया टू स्पीड अप डिफेंस डील, रसिया क्या कर रहा है, अपने डिफेंस डील को बहुत फास्ट कर। देखिए US से इंडिया का रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, अच्छा भी है और खराब भी है। इधर चाइना से हमारा रिलेशन वॉर लाइक सिचुएशन में आ गया, तो रशिया ने अपने पैसा बनाने के चक्कर में उसने कहा कि जल्दी जल्दी हम वो प्रोडक्ट्स आपको रिलीज करते हैं, आप फंड रिलीज कर दो फटाफट। जैसे S-400 डील है, जो भी डिफेंस डील हमारी उनकी साथ हुई है उसको वो रिलीज करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज सीधा 14 पेज पे चले आइए। 14 पेज में जो दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसके बारे में बात करनी है। चाइना वॉन्ट्स रिस्क ऑफ नेवल, जो पहला न्यूज़ है, चाइना वॉन्ट्स रिस्क ऑफ नेवल कन्फ्लिक्ट विथ US, कि नेवी, US ने क्या किया, अपनी पूरी नेवी उतार दी है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा नेवी ऑफिसर्स को, नेवी सैनिकों को उसने समुद्र में साउथ चाइना सी के रीजन में उतार दिया है। तो उसको लेकर के 3,75,000 सोल्जर्स एंड 60% ऑफ वॉरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में उसने पोस्ट कर दिया है। अब इतना बड़ा शिप्स और नेवल जमावड़ा एक जगह हो रहा है, तो चाइना इससे थोड़ा सा ससेप्टेबल हो गया है। और चाइना कह रहा है कि देखो, कोई कोल्ड वॉर नहीं हो रहा है, कोई हॉट वॉर नहीं हो रहा है, हम लोग अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तो कुछ क्राइसिस यहाँ हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, अगर US नहीं मानेगा तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ऐसे सिचुएशन है, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये जानकारी के लिए कि सिचुएशन आगे कैसे टफ हो रही है। एक किताब रिलीज की गई है बोल्टन द्वारा, US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने एक बुक रिलीज की है द रूम वेयर इट हैपेंड। इसमें उन्होंने पेरिस डील के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा है और इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के बारे में कुछ नई बातें इन्होंने खुलासा किया। इसको, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लीजिएगा, ये आपके मेंस के पर्पज से काम आएगा कहीं कहीं। आगे चलते हैं हम लोग। एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट टर्न स्पॉटलाइट ऑन आइकन्स ऑफ US हिस्ट्री, एकदम लास्ट वाले न्यूज देखिए। एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट टर्न स्पॉटलाइट ऑन आइकन्स ऑफ US हिस्ट्री, हो क्या रहा है, जब से जॉर्ज फ्लॉयड मरे हैं, उनका मतलब एक तरह से मर्डर हुआ है कहा जाए, US पुलिस के द्वारा ये हुआ था, तो उनके उसके बाद जो ब्लैक एंड वाइट की ये लड़ाई है, जो रेस की लड़ाई है, वो थोड़ी सी तेज हो गई है। अभी हाल फिलहाल में June 19th बीता, जिसको June 3rd कहते हैं, June 3rd याद रखिएगा, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है June 3rd। June 3rd वो दिन था जिस दिन स्लेवरी से मुक्त किया गया था US को। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं कि अभी एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसमें मूर्तियां तोड़ दे रहे हैं, जितने अंग्रेज ऑफिसर्स थे उस समय के उनकी मूर्तियां लगाई गई थी यादगार हिस्टोरिकल, वो उन मूर्तियों को गिरा दिया जा रहा है, प्रोटेस्टर्स उनको तोड़ दे रहे हैं। अभी लेटेस्ट में जो टूटने वाली मूर्तियां हैं, रिमूवल ऑफ द स्टैच्यू ऑफ जनरल रॉबर्ट ई ली वर्जीनिया से हटाया गया इनका, और कन्फेडरेट जनरल अल्बर्ट पाइक की मूर्ति हटा दी गई वाशिंगटन से। इसी तरह से एंड्रयू जैक्सन, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड्रयू जैक्सन, उनकी मूर्ति भी हटा दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मूर्तियां तोड़ने का काम चल रहा है, ये मूर्तियां तोड़ तोड़ करके अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि विरासत और धरोहर जो हमारी इतिहास की थी वो धीरे धीरे लॉस कर रही है। तो इन दोनों के बीच का रास्ता निकालना होगा US को बहुत जल्दी ही, प्रोटेस्टर्स को रोकना होगा इस चीज से। अब आते हैं पेज नंबर 15 पे, इकोनॉमिक्स और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज है। आज न्यूज थोड़ा सा ज्यादा था क्योंकि आज पहले पेज में ही 4-5 न्यूज आ गए, और उसके बाद कई न्यूज थोड़ा सा, कई कई दिन होता है कि न्यूज थोड़ा सा ज्यादा रहता है, आपको ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, 15 मिनट की जगह 17-18 मिनट लग जाएगा, और कोई बात नहीं है। सेवी मेक्स रेजिंग फंड इजियर फॉर स्ट्रेस कंपनी, स्ट्रेस कंपनी है COVID-19 सिचुएशन में, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो फाइनेंशियली क्रंच में आ गई हैं, तो ऐसे क्रंच वाले सिचुएशन में तो सेवी ने बहुत रिलैक्सेशन दिया है कुछ कंपनियों को, कि वो लोग अपना क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल इश्यूज, देखें स्टेट्स कंपनी एसेट्स एंड एग्जेम्प्ट अलॉटीज ऑफ प्रेफरेंशियल इश्यूज फ्रॉम ओपन ऑफर ऑब्लिगेशंस। अब उनको कह दिया है कि आप
जो 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 स्ट्रेस कंडीशन में है अपना कुछ कुछ प्रोफेशनल इश्यूज आप अलॉट कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में। हाँ, कुछ उसकी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को ध्यान में रख के आप इसको करेंगे। इसके अलावा एक मनी सप्लाई सर्च सिग्नल्स अनसर्टेनिटी अमिड पेंडेमिक। मनी सप्लाई का कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जो पैसा जा रहा है मार्केट में वो पैसा अभी रोटेट करना क्यों नहीं शुरू कर रहा है, इसको लेकर के ये आर्टिकल है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा है H1B curves misguided harmful। अब H1B curves misguided harmful ये आर्टिकल फिर से वही बात कह रहा है। NASSCOM ने वार्न किया है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती रही तो बहुत डिस्टर्बिंग है हमारे जो स्किल्ड लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए। इसके अलावा एक न्यूज़ है 3.3 लाख करोड़ MSME फंड स्टक। यार, बड़े बड़े कंपनियां इनका फंड फंसा ले रही हैं MSMEs का, तो ये बड़ा एक बवाल है, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ये जानकारी के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। Insurers can offer short term, last news, insurers can offer short term COVID-19 health cover। IRDAI कह रहा है कि आप COVID-19 के लिए भी insurance cover दे सकते हैं लोगों को, ये एक अच्छी खबर है। ये जल्दी ही ये program launch होगा various companies द्वारा। इसके अलावा आज कोई न्यूज़ आपको पढ़ना नहीं है, 16 पेज में कोई न्यूज़ नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने बहुत शॉर्ट में, बहुत मतलब डिटेल में ना जाके भी आपको पूरे दिन का न्यूज़पेपर का पूरा डिटेल बता दिया है। अब इसके बाद एक और चीज़ करिएगा, इसमें जो कीवर्ड्स हैं उन पर बहुत फोकस करिएगा। कहिए तो मैं कीवर्ड आपको 2 मिनट में सरसरी निगाह में बता दूं कि क्या क्या कीवर्ड आपको ध्यान देना है, उन कीवर्ड्स पे थोड़ा सा नज़र रखिएगा तो आपको न्यूज़पेपर में कुछ अलग से नहीं पढ़ना होगा। देखिए आज के कीवर्ड्स, मेजर कीवर्ड्स क्या क्या हैं, आपको पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 ये मार्क कर लेना है, उस पर चुसूल मार्क कर लेना है, MFN स्टेटस के बारे में जानना है, वियना कन्वेंशन, क्योंकि MFN स्टेटस और ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है इसको हैंडल करने के लिए वियना कन्वेंशन हुआ था, वियना कन्वेंशन कब हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में जानना है। इसके बाद GEM क्या है इसके बारे में जान लेना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया जो इसमें इसके बारे में जान लेना है। उसके बाद H1B वीज़ा, L वीज़ा, H2B वीज़ा, H4 वीज़ाज, J वीज़ाज जो US के हैं इनके बारे में डिटेल जान लेना है, इंदिरा किचन के बारे में जानना है, भीमा कोरेगांव के बारे में जानना है, फ्रीडम ऑफ मैरिटल चॉइस के बारे में जानना है, आर्टिकल 21 के बारे में जानना है, वर्ल्ड हंगर डे के बारे में जानना है, PM किसान के बारे में जानना है, MI-8 हेलीकॉप्टर्स के बारे में जानना है, बालाबार रिबेलियन के बारे में जानना है, ट्रेबल वबल के बारे में जानना है, हज यात्रा के बारे में जानना है, और कन्फेडरेट जनरल अल्बर्ट पाइक या एंड्रू जैक्सन के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, सेबी IRDA के बारे में जानना है, कालिदास और अंबुबाची मेला, ये तो कल के न्यूज में से ये उनके बारे में जानना है, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ILO के बारे में देख लीजिएगा। ये सब ये टर्म्स आज के न्यूज़पेपर में थे और इन टर्म्स के जरिए आप अगर इसको 4-4 लाइन को गूगल से सर्च करके एक बार अपना नोट्स बना लेंगे तो कहीं ना कहीं न्यूज़ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रह जाएगी। अब कल की न्यूज़ और आज की न्यूज़ पे जो क्वेश्चन आधारित है, वीकली हम लोग इस पे क्वेश्चन भी देंगे आपको, वो क्वेश्चन करके आपको पूरा वीक रिवीजन हम लोग करवाएंगे। अभी एडिटोरियल का अलग से हम 15 मिनट का एक आर्टिकल आपको देंगे शाम तक, तो अभी इसको आप वॉच करिए और जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नई चीज़ पहुंच सके और उससे लोग फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।